आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा पिहोवा पहुंचे। उनके साथ वरिष्ठ नेत्री चित्रा सरवारा भी पहुंची थी। पूर्व मंत्री बलबीर सिंह सैनी की निजी आवास पर पत्रकार वार्ता करते हुए अनुराग ढांडा ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए और पंचायती चुनावों के मद्देनजर वो कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं। उनका उद्देश्य हरियाणा प्रदेश की सभी विधानसभाओं में जाकर कार्यकर्ताओं से मिलकर चुनावों की जानकारी लेना है। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी जिला परिषद चुनाव पार्टी सिंबल पर ही लड़ेगी। आइए अनुराग ढांडा जी, आज जो यहाँ आप आए हैं, क्या ये पंचायत चुनाव को लेकर है या कुछ कार्यकर्ताओं की मीटिंग है? पहले तो अपना उद्देश्य बताइए सर। देखिए, संगठन निर्माण को लेकर के हम हर विधानसभा में अपने कार्यकर्ताओं से जाकर के मिल रहे हैं। अलग अलग एक एक दिन में तीन तीन विधानसभा का दौरा हो रहा है वहाँ के कार्यकर्ताओं से। कस्बे की समस्याओं का समाधान करने के लिए हर सोमवार को 7 वार्डों की एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस समीक्षा बैठक में 7 वार्ड के पार्षद शामिल होंगे। इसमें मुख्य तौर पर सोहाना के एसडीएम भी रहेंगे। इस समीक्षा बैठक में कस्बे की तमाम समस्याओं का समाधान किया जाएगा और समीक्षा बैठक में सभी संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। एसडीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि समीक्षा बैठक की अगली बैठक में पहले कार्यों का अपडेट भी लिया जाएगा। इस समीक्षा बैठक से लोगों की समस्याओं को कुछ हद तक समाधान होने की उम्मीद लग रही है। ये हम वीकली मीटिंग हर 7 पार्षदों को, जैसे मंडी कुमारी 1 से 7 नंबर के जो पार्षद हैं, उनकी मीटिंग लेंगे, समीक्षा मीटिंग, और हर विभाग के अधिकारी, हर डिपार्टमेंट के अधिकारी इस मीटिंग में आएंगे। जिसकी जो समस्या होगी पार्षद की, वो रिटर्न में लाएंगे। ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन वाली समस्या का ऑन द स्पॉट करेंगे, अदरवाइज टाइम फ्रेम ऑर्डर करके कंसर्न डिपार्टमेंट से हम नेक्स्ट मीटिंग में उसकी ATR मांगेंगे। तो सर, ये कब तक चलेगा? ये बिल्कुल वीकली मीटिंग हमारी परमानेंट चलती रहेगी। तो सर, इसमें किस किस तरह की समस्या सुनी जाएंगी? जो जितनी भी उसके वार्ड की, संबंधित वार्ड की जो भी समस्या होगी, किसी भी डिपार्टमेंट की, हर समस्या को सुना जाएगा। तो इसे अपडेट भी किया जाएगा सर? बिल्कुल। तो इसमें अतिक्रमण, जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने पशुधन में लंपी बीमारी को रोकथाम के लिए जिले में दूसरे जिलों और राज्यों से गाय, भैंस, पशुधन आदि आवागमन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दिया है। हरियाणा प्रदेश में गाय, भैंस, पशुओं आदि में कुछ जिलों में लंपी स्किन डिजीज संक्रमण का प्रकोप देखा गया है, जिसमें गाय, भैंस, पशुओं आदि की देखभाल और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। संक्रमण के लक्षण गाय, भैंस, पशुओं आदि में फैलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उक्त बीमारी की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने जरूरी है। खासतौर पर हरियाणा के कई जिलों में देखी गई है। फिलहाल अपने जिले में किसी भी गोवंश में ये बीमारी नहीं देखी गई, लेकिन पूरे स्टेट में एहतियात के तौर पर कुछ कदम उठाए गए हैं जो हमारे जिले में भी उठाए गए हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि आने वाले कुछ समय के लिए पशु मेलों पर रोक लगा दी, कोई भी पशु मेला नहीं लगाया जाएगा, ताकि ये इन्फेक्शन एक पशु से दूसरे में फैले ना। इसके अतिरिक्त इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट पशुओं की मूवमेंट पर भी रोक लगा दी। राजस्थान के जालौर में शिक्षक की पिटाई से 9 साल के बच्चे की मौत को लेकर भीम आर्मी के सदस्यों द्वारा हुड्डा सेक्टर 2 से लघु सचिवालय तक रोष प्रदर्शन किया गया। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष राजगुरु और जिला प्रभारी नकुल ने कहा कि राजस्थान के जालौर जिले के एक प्राइवेट स्कूल में एक अध्यापक ने पानी वाला मटका छूने पर एक 9 वर्षीय बच्चे को पीट पीट कर बुरी तरह से मार दिया। उन्होंने कहा कि वो इस रोष प्रदर्शन के माध्यम से राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि उक्त स्कूल का लाइसेंस कैंसिल हो और अध्यापक को फांसी की सजा दी जाए। मृतक बच्चे के परिवार में से किसी एक को सरकारी नौकरी भी दिए जाने की मांग की गई। इस देश में 75 साल हो गए आजाद हुए, फिर भी अनुसूचित जाति और जनजातियों को कहीं आज़ादी नहीं है। तमाम घटनाएं देखने को मिलती हैं, कहीं मूछें रखने के ऊपर मार दिया जाता है, कहीं घोड़ी पर चढ़ने के ऊपर मार दिया जाता है। अब राजस्थान के अंदर जिला जालौर में एक तीसरी में पढ़ने वाले विद्यार्थी को मटके से पानी पीने के ऊपर मास्टर के द्वारा मार दिया जाता है। इतनी बहरहमी से पिटाई की जाती है कि उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन अपनी मांग करती है कि उसकी CBI जांच करा करके। जींद के बीजेपी जिला प्रधान राजू मोर के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है। उनका कार्यकाल पूरा होने के मौके पर बीजेपी जिला कार्यालय जींद में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत और अभिनंदन कार्यक्रम रखा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी। सभी ने जिलाध्यक्ष के 2 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें शुभकामनाएं दी।
जिला अध्यक्ष राजू मोर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इतने प्यार और सम्मान के लिए उनका आभार जताया और कहा कि आप लोगों ने मुझे ये जो प्यार और सम्मान दिया है इसके लिए वो सदैव उनके ऋणी रहेंगे। ये 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जिले का संगठन का जो काम हमने आगे बढ़ाया है आगे भी काम आगे बढ़ाते रहेंगे। पूरा संगठन मिलकर, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो और भी किसी तरह का कोई काम पार्टी की तरफ से जिम्मेवारी सभी कार्यकर्ताओं को मिली है, तो सभी ने मिलजुल के बहुत अच्छा काम किया है और 2 साल बहुत अच्छा अनुभव, अच्छा सीखने को मिला है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को, पूरी टीम को बधाई देता हूँ और उनके आशीर्वाद के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। 13 से 15 तरह हर घर तिरंगा अभियान था, जींद जिले में सबसे ज्यादा सत्य सटीक बेबार।